एक साल में दूध के दामों में तीसरी बढ़त। अमूल ने फिर बढ़ाए दूध के दाम। शाम होते होते मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए 2 रुपए। लेकिन गुजरात एक लौता ऐसा राज्य जहां दूध के दाम वही के वही। क्या है दामों के बढ़ने की वजह और क्यों गुजरात में नहीं बढ़ रहे ये दाम? एक तो त्योहार का वक्त और उस पर से खुदरा महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। फिर अब दूध के दामों में बढ़त आम आदमी की जेब पर खासा असर डालेगी। पहले अमूल और फिर मदर डेयरी, दोनों ही डेयरियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। कैसे? प्रति लीटर पर 2-2 रुपए। और गाय के दूध पर भी बढ़ी हैं, भैंस के दूध पर भी बढ़ी हैं और स्पेसिफिकली फुल क्रीम पर बढ़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल अमूल ने अपने फुल क्रीम दूध में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। यानी कि जहां 1 लीटर का पाउच 62 का था, वही अब 64 का हो चला है। मगर हम आज बताएंगे कि ये क्यों बढ़ती जा रही है दूध की कीमतें। दरअसल अगस्त में जब अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा किया था, तब उसने बढ़ती लागत का हवाला दिया था। डेयरी ने कहा था कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, इस वजह से दूध की कीमतें बढ़ गई। तब कंपनी ने कहा था कि पशुओं के चारे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और 2021 के मुकाबले 20% महंगा हो गया है। मार्च में अमूल ने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मगर अब क्यों कीमतें बढ़ रही हैं? इस हफ्ते की शुरुआत में जारी थोक महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार चारे की महंगाई दर 25% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अब इसका असर पड़ा है उन किसानों पर जो मवेशी पालते हैं। तो भाई, जो मवेशी खाएंगे, अगर उसका चार्ज बढ़ रहा है तो फिर प्रोडक्ट का भी चार्ज बढ़ेगा, यानी कि दूध का भी चार्ज बढ़ेगा। सिंपल इकोनॉमिक्स है और क्या। मगर ये बताइए कि गुजरात में क्यों नहीं बढ़ रहे ये दाम? दरअसल भारत में हर सुई चुनाव पर आकर अटक जाती है, तो इसका जवाब भी वही है, चुनाव। मगर चुनाव तो और राज्यों में भी है, आप कहेंगे, फिर गुजरात में ही ऐसा क्यों? बट यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, सही सवाल, इसका भी जवाब देंगे। असल में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो गुजरात की औपचारिक डेयरी है, जिसे आप और हम अमूल के नाम से भी जानते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट डेयरी यूनियंस के लीडर्स ज़्यादातर बीजेपी के समर्थन वाले लोग हैं और चुनावी रंग में भंग तो कोई नहीं डालना चाहेगा। हालांकि अमूल ने ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद भी वो यही रेट रखेंगे। जी हाँ, तो गुजरात में खुशियां मनाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के बाद आपके लिए दूध के रेट बढ़ जाएं। तो ये था दूध के दाम बढ़ने के पीछे का सच। आप सब सोच ही रहे होंगे कि क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है। हम यहाँ अनकट पर आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। आसान है नहीं? तो फिर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, जाइए जाकर के शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। मुझे इजाजत दें फिलहाल, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।